हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की वीडियो में एक नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम है अ गुड बॉय। तो इस स्टोरी के माध्यम से आपको वोकैबुलरी सीखने को मिलेंगे दोस्तों। वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एन ओल्ड वुमेन वांटेड टू क्रॉस अ रोड। ओल्ड वुमेन मतलब होता है औरत, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ी, एक बूढ़ी औरत। एन मतलब एक बूढ़ी औरत। वांटेड, वांटेड मतलब होता है चाहना। वांट का सेकंड फॉर्म है वांटेड। वांटेड टू क्रॉस अ रोड, क्रॉस मतलब होता है पार करना, अ रोड एक सड़क। एक बूढ़ी औरत चाहती थी सड़क पार करना। सी वॉज वीक, वह वीक मतलब कमज़ोर, वह कमज़ोर थी। वॉज मतलब था, वह कमज़ोर थी। देयर फोर सी वॉन्टेड हेल्प, देयर फोर इसलिए वह वॉन्टेड चाहती थी मदद। हेल्प मतलब मदद, वह चाहती थी मदद। सी वेटेड लॉन्ग, उसने वेट मतलब इंतज़ार करना। वेट का सेकंड फॉर्म वेटेड, लॉन्ग मतलब लंबे समय तक, लंबा। उसने लंबे समय तक इंतज़ार किया। सी वेटेड अलोन, वह वेटेड इंतज़ार कर रही थी। अलोन मतलब अकेले, वह अकेले इंतज़ार कर रही थी। सी सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल बॉयज। सी सॉ उसने देखा, सॉ मतलब होता है देखना, सी का सेकंड फॉर्म होता है सॉ। उसने देखा अ लार्ज नंबर, लार्ज मतलब बड़ी, बड़े संख्या में, बड़े नंबर मतलब संख्या, बड़ी संख्या में देखा। ऑफ का स्कूल बॉयज, स्कूल के लड़कों को उसने बड़ी संख्या में देखा। दे वर लॉफिंग एंड टॉकिंग, वे लॉफिंग मतलब हंसना होता है, एंड टॉकिंग, टॉकिंग मतलब बात करना। वे हंस रहे थे और बात कर रहे थे। दे वर गोइंग होम, वे होम मतलब घर, गोइंग मतलब जाना, वे घर जा रहे थे। सो दे वर हैप्पी, इसलिए वे हैप्पी मतलब खुश, वे खुश थे। दे लुक्ड एट द ओल्ड वुमेन, वे दे मतलब वे, लुक्ड मतलब देखे, उन्होंने देखा। एट द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत को देखा। दे डिड नॉट हेल्प हर, वे उन्होंने डिड नॉट हेल्प, हेल्प मतलब मदद, हर मतलब उसकी मदद नहीं की। दे वॉकड ऑन, वे चलते गए, वे चलते रहे। बट लेकिन वन बॉय वेंट टू द ओल्ड वुमेन, एक लड़का वेंट मतलब गया टू द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत के पास एक लड़का गया। ही सैड टू हर, उसने उससे कहा, सैड मतलब कहना, उसने उससे कहा, मदर माँ डू यू वॉन्ट टू, डू यू वॉन्ट टू क्रॉस द रोड, डू यू वॉन्ट टू, क्या तुम सड़क पार करना चाहती हो। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। आई विल टेक यू टू द अदर साइड, मैं आपको दूसरे साइड, दूसरे उस पार ले जाऊंगा। द बॉय हेल्प्ड द ओल्ड वुमेन, लड़के ने मदद की बूढ़ी औरत की। ही लेड हर अक्रॉस द रोड, उसने सड़क पार करवाया, उसने उसकी मदद की। ही डिड अ गुड डीड, उसने एक अच्छा, गुड मतलब अच्छा, डीड मतलब कार्य, उसने एक अच्छा काम किया। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, हैप्पी मतलब होता है खुश, वह खुश था। ही सैड, उसने कहा, आई हेल्प्ड, मैंने मदद की। आई हेल्प्ड समबडीज मदर, मैंने किसी, समबडी मतलब किसी की
मदर मतलब माँ, मैंने किसी की माँ की मदद की। सो इसलिए समबडी विल हेल्प माई मदर इन हर ओल्ड एज, इसीलिए कोई मेरी माँ की मदद करेगा इन हर ओल्ड एज, उसके बुढ़ापे में। ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे में उसकी कोई मदद करेगा। डियर गॉड, प्रिय भगवान, बी काइंड टू दिस गुड बॉय। बी काइंड, काइंड मतलब होता है दया। गुड बॉय, इस अच्छे लड़के पर अपनी दया बनाए रखना। सैड द ओल्ड वीमेन इन हर प्रेयर, सैड मतलब कहना। द ओल्ड वीमेन, उस बूढ़ी औरत ने अपने प्रेयर मतलब प्रार्थना, अपने प्रार्थना में कहा कि प्रिय भगवान आप इस पर अपनी दया बनाए रखना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो आपको कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।